नमस्कार साथियों, मैं हूँ एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई, काफ़ी सारी बातें करेंगे और जो पूरी की पूरी आपके ऊपर लागू होती हैं, आपके काम वाली बात काम आने वाली बातें हैं। जी हाँ साथियों, क्वारंटाइन की बात करेंगे, फ्लाइट की बात करेंगे और पैसों की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, और जुर्माना मुकदमा सब बातें बात करेंगे। और टॉपिक क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग। जी हाँ साथियों, अभी इस मैटर पे आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज भाई फॉलो कर लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई आज हम बात करते हैं, देखिए मैं बता दूँ, लगभग 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट भी आया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि भाई सब जगह जब कोरोना हो रहा है, आप बोलते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, 3 फुट की दूरी पे रखिए, या हर जगह मुंह पे मास्क लगाओ, एक दूसरे का टच नहीं होना वगैरह वगैरह, ट्रेन में आप एक सीट छोड़ के बैठो, बसों में आप एक सीट छोड़ के बैठो, यानी सोशल डिस्टेंसिंग पे ये मैटर चल रहा था कि गवर्नमेंट या पूरा वर्ल्ड ये बोल रहा है कि दूरी बना के रखो हर चीज़ में। तो भाई जब आप एक बात सोचने की बात है, जब हवाई जहाज़ यानी प्लेन के अंदर जब आदमी एक एक दूसरे के चिपके बैठते हैं, तब वो कोरोना गायब हो जाता है, तब वो कोरोना की छुट्टी हो जाती है 3-4 घंटे के लिए, कि भाई अभी बंदे फ्लाइट में बैठ गए, अभी हम एक दूसरे के टच में नहीं आएंगे और उतरते ही हम एक दूसरे को पकड़ लेंगे, कोरोना ये बोलता है। सुप्रीम कोर्ट की ये गाइड सरकार से पूछा गया तो सरकार ने ये बोला था कि हमारी मजबूरी है, हम सोशल डिस्टेंसिंग सीट बीच वाली खाली नहीं रख सकते, उसका किराया बहुत महंगा पड़ता वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े टाइम की हवाला दिया था कि ठीक है, आप थोड़े टाइम 5-7 दिन और ये कर लीजिए, उसके बाद में आपको सोशल डिस्टेंसिंग हवाई जहाज में रखना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, और इसी का मैं बता दूं अंदाजा, कोरोना अभी इंडिगो फ्लाइट इंडिया में चालू हुए 3 दिन हुए हैं, 16 मरीज आ चुके हैं। जब घर से निकले कुछ नहीं था, एयरपोर्ट पे कुछ नहीं था, जैसे ही 1 घंटा का सफ़र करके नीचे उतरे, उनकी जांच की गई तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी हाँ साथियों, यानी इंडिया के सफ़र में, यानी इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, लोकल घरेलू उड़ान की, और उड़ान तो भाई कोई भी हो, जहर तो चाहे इतना हो चाहे इतना हो, बात तो वही है ना, प्लेन में तो बैठ गए, चाहे आप दुबई से आ रहे हो 3 घंटे लग गए, क्या फ़र्क पड़ गया? इंडिया से इंडिया में भी कई जगह 3 घंटे का सफ़र होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। 16 आदमी पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना से, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है। जो लोग विदेश से इंडिया आ रहे हैं फ्लाइटों में बैठ के, और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट ढिंढोरा पीट रही है, एरोप्लेन में बैठते ही सोशल डिस्टेंसिंग गायब हो जाता है, कोरोना भी छुट्टी ले लेता है 3-4 घंटे के लिए, कि अभी मुझे किसी के अंदर ही रहना है, दूसरे के चिपक के नहीं जाना है। हद करती है भाई गवर्नमेंट भी, ये सिस्टम भी पता नहीं क्या है। तो भाई देखिए, अभी गवर्नमेंट सोशल डिस्टेंसिंग अगर पालन करवाती है तो ये बोझ भी आपके ऊपर ही पड़ने वाला है, क्योंकि बता दूं मैं, अभी मान लीजिए कि 3 सीटों का एक साइड में 3 सीट है, एक साइड में 3 सीट है, तो बीच वाली खाली अगर छोड़ देंगे तो उनका किराया दोनों वालों के ऊपर पड़ेगा ना, समझ रहे हो बात को? अभी एक टिकट आपको 12,000-13,000 में आ रही है, वो टिकट फिर 3 बंदों की मान लो 30,000-40,000 की टिकट आ रही है, अभी अभी तो 3 बैठ रहे तब 40,000 में आ रही है, फिर बैठेंगे 2 तो किराया तो 40 ही पड़ना है, फिर वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगी कितनी, 18 या 19,000 के करीब टिकट का भुगतान पड़ेगा। जी हाँ साथियों, तो भाई ये देख लीजिए, ये होने वाला है, अभी हो जाएगा शायद 1 जून के अंदर अंदर, मेरा जहाँ तक अनुमान है साथियों, 10-12 दिन के अंदर लगभग 100 के करीब प्लेन में हवाई जहाज़ में सफ़र करने के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी हाँ साथियों, और हवाई जहाज़ में भाई सफ़र करते हैं वो कोई बेचारे रोड पे चलने वाले मजदूर तो है नहीं, या कोई भेड़ बकरियों की तरह रहने वाले कच्ची झोंपड़ी वाले नहीं हैं, भाई ठीक ठाक तो होंगे ना, जो मकानों में रह रहे हैं, सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, उनके हो गए 100 के करीब लोगों के पॉजिटिव, तो आप भी तो विदेश से इंडिया आ रहे हो ना, तो आपका भी नंबर आ सकता है इस कोरोना पॉजिटिव में, तो थोड़ा सा देख लीजिए। सेकंड बात, गवर्नमेंट बड़ा पंगा करके लेके आ रही है हमारे राजस्थान में, तो घोषणा भी हो गई इसकी। मैं बता दूं, अगर सोशल, अब मान लीजिए आपको कोरोना की प्रॉब्लम है, आपको होम क्वारंटाइन के लिए घर भेज देते हैं, 7 दिन के लिए 14 दिन के लिए घर पे रहना है, अगर आपने वहाँ गलती कर दी तो आपदा अधिनियम 2005 के अनुसार, मैं बता दूं आपको, धारा 51 और 57 भारतीय IPC 1973 की धारा के अनुसार 188 में आपको ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। भाई आप समझ गए होंगे मैंने क्या आपको बताई है, ये रियल स्थिति में आपके सामने है सब कुछ, जो मैं बता रहा हूँ वो आपके सामने है। दूसरी बात, कोरोना की बात करें तो भाई इंडिया की स्थिति आपको पता है, अभी आने वाले मुझे नहीं लगता कि 5 जून भी पकड़ पाएगा, 2 लाख+ हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, डेथ की बात करें तो आज की बात करें ना 30 मई तक की, तो ये मान लीजिए 5,000+ डेथ हो चुकी हैं,
तो आप समझ लीजिए कि इंडिया में कोरोना के एक पीक पे अगले महीने तो खतरनाक तरीके से बढ़ेगा, जून में तो खतरनाक बढ़ेगा। अब क्या बताएं, मैं बता नहीं सकता, इतना खतरनाक बढ़ेगा भाई। तो बस साथियों अपडेट यही देना चाह रहा था कि भाई जब हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग हो, गवर्नमेंट बोलती है कि रोडवेज में 50 की जगह 25 सवारी बैठाएं, ट्रेन में भी एक एक जगह छोड़ के बैठाएं, तो फिर प्लेन में कहाँ दिक्कत आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया भाई, उस हिसाब से टिकटें महंगी होने वाली है। मेरे हिसाब से जनवरी फर्स्ट से ये हो सकता है महंगी, पक्की टिकट महंगी होगी। बस आज की अपडेट ये थी साथियों, नई अपडेट के साथ नई वीडियो, मिलते हैं आज की जानकारी के लिए। रोज़ इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन करके रखें, ताकि सही जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।